अहमदाबाद भारत के गुजरात राज्य में स्थित सबसे बड़ा शहर है। ये शहर साबरमती नदी के किनारे स्थित पूरे गुजरात राज्य का सबसे बड़ा महानगर है। ये महानगर 1960 से 1970 तक गुजरात राज्य की राजधानी था, लेकिन बाद में गुजरात की राजधानी को गांधीनगर में स्थानांतरित कर दिया गया। फ्रेंड, अहमदाबाद गुजरात राज्य का सबसे तेज विकसित होता शहर है। यहाँ आप बड़े बड़े चमकदार शॉपिंग मॉल से लेकर अच्छी सड़कों और फ्लाईओवरों के अलावा खूबसूरत पार्क देख सकते हैं, जो इस शहर की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। दोस्तों, अहमदाबाद एक ऐसा शहर है जहां कई सारे ऐतिहासिक स्मारक मौजूद है। साथ ही इस शहर में ऐसे कई सारे स्थान भी हैं, जहां आप भारतीय इतिहास और यहां की संस्कृति के साथ साथ प्रमुख हस्तियों के बारे में जान सकते हैं। फ्रेंड, अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। मैनचेस्टर इंग्लैंड में बसा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग का शहर है, क्योंकि अहमदाबाद में दूसरे राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। इसीलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके अलावा अहमदाबाद गुजरात राज्य का एक महत्वपूर्ण आर्थिक और औद्योगिक केंद्र होने के नाते यह गुजरात राज्य का हृदय स्थल भी कहलाता है। साथ ही यह शहर भारत का सातवां सबसे बड़ा महानगर भी है। अहमदाबाद को भारत में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले शहरों में से एक माना जाता है। इसके अलावा अहमदाबाद भारत का एक प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र भी है, जो कि एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करता है, जो इसे आसपास के क्षेत्रों के लिए एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र बनाते हैं। यह शहर कई अस्पतालों, क्लिनिकों और नर्सिंग होम से आच्छादित है, जो गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा केंद्र की देखभाल प्रदान करता है। दोस्तों, ये शहर अपने विविध संस्कृति उत्सव के लिए भी जाना जाता है। अहमदाबाद के लोग हर उत्सव के अवसरों को मनाते हुए बहुत भावुक होते हैं। यहाँ के स्वादिष्ट भोजन, रंगीन संस्कृति, यानी हर उत्सव यहाँ बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। फ्रेंड, इसी शहर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सन 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, जो आज अहमदाबाद का प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। अगर बात करें इस शहर के क्षेत्रफल की, तो ये शहर लगभग 6585 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, और वर्तमान जनगणना के अनुसार अहमदाबाद की जनसंख्या 84 लाख के लगभग है। फ्रेंड, अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम एक भारतीय क्रिकेट स्टेडियम है। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इस स्टेडियम में एक साथ 1,32,000 दर्शक बैठ सकते हैं। यह स्टेडियम 63 एकड़ में फैला हुआ है और करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इसके अलावा अहमदाबाद शैक्षिक संस्थानों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ उच्च शिक्षा हेतु कई राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जैसे शिक्षण संस्थान मौजूद है। दोस्तों, अगर बात करें इस शहर के इतिहास की, तो अहमदाबाद को पूर्व समय में कर्णवती के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उस काल में इसके शासक का नाम सोलंकी राजा कर्णदेव प्रथम थे। लेकिन बाद में इस शहर पर सुल्तान अहमद शाह ने हमला किया और अपने कब्जे में कर लिया। तब से इसका नाम अहमदाबाद रख दिया गया और अब लोग इसे अहमदाबाद के नाम से जानते हैं। दोस्तों, वर्षों से यह शहर सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व का एक शहर रहा है। इसी कारण यह नगर भारत के सभी प्रमुख शहरों, परिवहन के सभी माध्यमों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और अच्छी तरह से सेवा प्रदान करता है, क्योंकि यह शहर देश के सभी मुख्य राजमार्गों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इस शहर में कई सारी खूबसूरत टूरिस्ट पैलेस भी मौजूद है, जैसे कांकरिया झील, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय संग्रहालय, साबरमती रिवर फ्रंट, स्थल लोथल, भद्र किला, दादा हरेल वाव आदि स्थित है, जो लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित करते हैं। फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।